हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो नेटवर्क हैं उसमें हम अपने राउटर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एज ए वाईफाई रेंज बढ़ाने के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाईफाई की रेंज को कैसे बढ़ाएं सेम नेटवर्क में। हमारा आईपी का पुल जो रहेगा सेम रहेगा, हमारा वाईफाई जो है जो उसका रेंज है वो बढ़ जाएगा। चलो चलते हैं कैसे हमें करना है। सबसे पहले जो है हमें राउटर को रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद जो है हम लैन केबल लगा लेंगे, एक छोर रहेगा इस पे हमारे पीसी पे और दूसरा रहेगा हमारे राउटर पे। जैसा कि मैं इसमें लगा रहा हूँ, मैं पोर्ट वन पे लगा रहा हूँ राउटर के, आप किसी भी पोर्ट पर लगा सकते हैं। और इसको लगा देंगे, मेरा जो है लैपटॉप का पोर्ट जैक जो इसका है इथरनेट का वो उसमें दिक्कत है, तो मैंने यूएसबी का लिया हुआ है इथरनेट पोर्ट, तो मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो है अभी इसका डिफ़ॉल्ट जो आईपी है गेटवे, उसको मैं जो है क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस पर ओपन करेंगे। वो आईपी डालने के बाद आप आईपी कैसे चेक कर सकते हैं, वो जो है राउटर के पीछे या तो आपको लिखा रहता है डिफ़ॉल्ट आईपी, या फिर अगर आपका रिसेट नहीं किया है आपने तो आप जो है सीएमडी कमांड ओपन करेंगे और उसमें डालेंगे आईपी कॉन्फ़िग, तो आपको राउटर का जो आईपी होगा वो आपको शो करेगा। ये मेरा यहाँ पे लॉगिन होने वाला है, यहाँ पे आईडी था एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन था, टीपी लिंक का राउटर है। यहाँ पे हम टाइम जोन डाल देंगे कि मेरा कहाँ का है, मैं इंडिया डाल दूँगा इसमें मुंबई, क्योंकि मैंने रिसेट किया था तो ये रिसेट करने के बाद ये चीज़ें पूछता है। फिर ये है हमारा राउटर का जो है कंट्री कौन सी है, इंडिया डाल देंगे। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है। ये जो आईएसपी का हमें डालने के लिए आ रहा है ये तब डालना होता है जब हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट, जैसे कोई एयरटेल की लाइन आ रही है, कोई भी लाइन आ रही है उस पर हम इसको कॉन्फिगर करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि हमें जो है ऑलरेडी हमारा एक राउटर कॉन्फिगर हुआ है, हमें उसकी वाईफाई रेंज को बढ़ाना है, तो हमें इस जो आईएसपी है उसको कॉन्फिगर करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए इसमें SSID जो हमारा वाईफाई का नेम आएगा वो क्या आएगा। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना रिकाया -FF यानी कि फर्स्ट फ्लोर। जो हमारा वाईफाई का नेम आएगा जिससे हम कनेक्ट करेंगे तो ये इस नाम से आएगा। और इसमें सिक्योरिटी के पर्पज़ से जो भी हमें आपको डालना हो वो डाल सकते हैं, W जो PSK जो ये हम इसमें करते हैं सिक्योरिटी के लिए। और इसमें आप यहाँ से प्री शेयर की जो है ये आपका वाईफाई का पासवर्ड रहेगा, आप जो यहाँ पे डालेंगे वही आपको वाईफाई कनेक्ट करने के लिए ये वाला पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसको नेक्स्ट कर लेंगे और सेव कर लेंगे। इसके बाद हम जाएंगे लैन के सेटअप में कि हमें लैन का क्या सेटअप करना है। अब इसमें हम जाएंगे एडवांस सेटअप, इसमें देखिए फायरवॉल है, हमें जाना है इंटरफेस सेटअप। इंटरफेस सेटअप में क्या है, लैन में जाएंगे। लैन में जाने के बाद सबसे ऊपर आ रहा है आईपी एड्रेस इसमें आ रहा है 192.168.1.1। अभी जो हमारा गेटवे है ये है, अगर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको सेम आईपी रेंज में 192.168.1.100.150 कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हमारे आईपी, जो हमारा आईपी यूज नहीं हुआ है उस आईपी को हम इसमें डालें, ठीक है। फिर है नीचे स्टार्ट आईपी एड्रेस कि आपका आईपी जो रहेगा इस राउटर से जो कनेक्ट होगा तो कहाँ से आईपी स्टार्ट होगा। जैसे मैंने 200 इसका डालता हूँ गेटवे, तो 201 से मैं इसको करता हूँ, 201 से लेके मैं चाहता हूँ कि इसमें 50 यूज़र जो हैं कनेक्ट हो पाए,
तो मैं इसमें आईपी पूल काउंट डाल देता हूँ 50, तो 200 से इसमें 250 तक इसमें हमारे यूजर कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसको सेव करने के बाद आपको अपनी जो इंटरनेट की केबल है जो दूसरे राउटर से आपकी आई हुई है उसको आप इस पर कनेक्ट कर लेंगे और अब चेक करेंगे हम अपने सिस्टम पे। ठीक है, यहाँ से हम सेव कर लेते हैं। अब हम जाते हैं सिस्टम पे और हम यहाँ पे चेक करते हैं कनेक्ट करके। ठीक है, अभी हमने जो नाम दिया था रिकाया FF, हम इसमें पासवर्ड डालेंगे। और नेक्स्ट कर देंगे। देखिए अभी कनेक्ट हो जाएगा। देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब देखिए नीचे नो इंटरनेट आ रहा है, तो थोड़ा देर वेट करते हैं क्योंकि ये टाइम लेता है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का है। मैं सर्च करके देखता हूँ। देखिए अभी नहीं हुआ है। देखिए एक बार यहाँ से इनेबल डिसेबल करके देख लेते हैं। दोस्तों मैंने ये चीज़ भी नोटिस किया है कि इसमें जब आप इनेबल डिसेबल करते हैं तो उसके बाद आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है, कई बार दिक्कत आ जाती है या फिर आपको राउटर को रिस्टार्ट करना पड़ता है तो आपका जो है इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है। अब देखिए ऊपर आ रहा है, इंटरनेट का आइकन आ चुका है। ये हमारा इंटरनेट वर्किंग हो चुका है। अब एक बार हम केबल को निकाल के चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी कनेक्टेड सक्सेसफुल, दोनों के दोनों जो हैं कनेक्टेड हो चुके हैं।